खेतों में हरियाली है और जीवन में खुशहाली भी है, क्यों? बिल्कुल। क्या ख्याल है नंदू भाई? ख्याल अच्छा है तो नमस्कार कर दें अपने किसान भाई बहनों को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 1 2 3 नमस्कार। तो आज हमारा तरीका कुछ और था। बिल्कुल। तो देर न करते हुए हम ले चलते हैं अपने किसान भाई बहनों को कृषि समाचार की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के होटवार में होगी झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट की शुरुआत। सुनाहातू बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का सुदेश महतो ने किया उद्घाटन। शिमला मिर्च के बेहतर उत्पाद के लिए लगाए कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष टी नंद कुमार ने झारखंड दौरे में बताया कि बहुत जल्द रांची के होटवार में झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 50,000 लीटर क्षमता की दूध उत्पादन इकाई की स्थापना और पशुओं के लिए मिनरल मिक्सर चारा उत्पाद मिल की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पशुपालन अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पिछले दिनों रांची में सुनाहातू प्रखंड के कुडियामू गांव में स्थानीय विधायक सुरेश महतो ने बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस सिंचाई परियोजना में 14 श्रृंखलाबद्ध चेक डैम में 28 लिफ्टिंग की सुविधा है, जिसमें सुनाहातू और राहे प्रखंड में 11 गांवों के करीब 900 एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे 11,000 किसान लाभान्वित होंगे। सुकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी में अच्छा मुनाफा देने में सक्षम है। कमजोर तबके के ग्रामीण सुकर पालन से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं, बशर्ते व्यवसायिक, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन किया जाए। इसके लिए सरकारी मदद भी उपलब्ध है। झारखंड में सुकर पालन का खास महत्व है। हमारे बहुत सारे, खास करके यहाँ पे देखा जाता है झारखंड में जो भी आदिवासी वर्ग के जो भी लोग हैं वो बहुत पहले से सुकर पालन करते आ रहे हैं, पूर्वजों के द्वारा सुकर पालन किया आ रहा है। लेकिन अब एक बदलाव की ज़रूरत होती है कि हमारे नए वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन कैसे करें हमारे किसान भाई, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो वैज्ञानिक तरीके से सुकर पालन के लिए सबसे पहला चीज़ है कि उन्नत नस्ल का चुनाव करें, जिसमें TND नस्ल है उनका पालन करें और वैज्ञानिक तरीके से उसका रखरखाव करें। खास करके जो किसान भाई, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो कि कमज़ोर वर्ग के हैं वो सुकर पालन शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए सरकारी सुविधा भी उपलब्ध है। वो आप ब्लॉक लेवल से जो पशुपालन पदाधिकारी है, जिला पशुपालन पदाधिकारी है, उनसे आप बात करके बहुत तरह से सहयोग राशि जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है, उन सहयोग से आप उनको उपयोग करके सुकर पालन शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बैंकों में भी लोन सुविधा उपलब्ध है। आप बैंक से बात करके, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनसे बात करके और उससे जो लोन सुविधा जो मिलती है उसको अपना करके सुकर पालन शुरू कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जो किसान सब्जी फसल शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, वे सितंबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। इस फसल में अच्छी उपज लेने के लिए कैलिफोर्निया वंडर, एलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और संकर किस्म में भारत या इंदिरा लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के सामान्य किस्मों की बुआई के लिए 800 ग्राम बीज और संकर किस्म की बुआई के लिए 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। सामान्य किस्म में पौधों के बीच 45x45 सेंटीमीटर और संकर किस्म में 60x60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। सामान्य किस्मों में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव की उपज क्षमता 250 क्विंटल है, जबकि भारत और इंदिरा नामक संकर किस्म वाली शिमला मिर्च की उपज क्षमता 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
जो किसान टान जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं, वे अपने खेतों में निकोनी का काम करने के लिए पेगहो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है किसी विशेषज्ञ की सलाह। खास करके टमाटर एक ऐसा फसल है कि वो फली छेदक से काफ़ी नुकसान हो जाता है उसको, और फल छेदक जब कीट जो फलों को छेद कर देते हैं तो इससे बाजार मूल्य उसका घट जाता है। तो मैं यहाँ किसान भाइयों को ऐसा सलाह देना चाहूँगा, जिस किसान के भाई के खेत में फल फूल निकल रहे हैं और फल बनना शुरू कर गए हैं और कीट का प्रकोप दिख रहा है, तो एक दवा आती है बाज़ार में इमिडाक्लोरोपिड, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसको आप छिड़काव करें। और यहाँ ध्यान रखें किसान भाई, छिड़काव करने के कम 21 दिन के बाद ही उसे खाने में प्रयोग करें, तो इससे काफ़ी लाभ होगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं आज के अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूँ 1650 रुपए से 1750 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6000 रुपए से 6200 रुपए, दाल मसूर 5500 रुपए से 5600 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 2000 रुपए से 2200 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। तो चलिए एक लेते हैं छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जाँच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो गंजू भाई, क्या ख्याल है, जानकारी का पिटारा खोलेंगे? बिल्कुल, जानकारी का पिटारा हम खोल रहे हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड में सब्जी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, और आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो परवल की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जी। परवल के जो पौधे होते हैं, जो परवल के जो लत्तर होते हैं, उससे हम उसका कैसे हम पौध प्रबंधन किस तरह से हम करें। अच्छा, ये भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। बहुत सारे किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और बहुत सारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी है, तो चलिए ये जानकारी लेते हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ धनंजय कुमार जी। आज हम आए हुए हैं हर पलांडू में और जानेंगे कि परवल की पौधशाला कैसे तैयार करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, बताइए कि अभी जो हमारे किसान भाई परवल लगाना चाहते हैं, वो परवल की पौधशाला कैसे तैयार करेंगे? किसान भाइयों, जिनके खेत में भी परवल का पौधा अभी है, तो 15 अगस्त के बाद आप इसको, अगर आप चाहते हैं कि बढ़ावें, मतलब एक तो अपने खेत के लिए, दूसरा है कि अगर इससे हम पैसा कमाना है तो हम इसका पौधा तैयार करके और इसको अगर करते हैं, तो इसमें दो तीन विधि है। जैसे अगर आपके अपने खेत में करना है तो आप वहीं पर जो है लत्तर को काट करके और एक हाथ का लत्तर ले लें, उसका रिंग जैसा बना लें, अंगूठी जैसा बना लें, और बनाने के बाद जितना भी पत्ती है उसको हटा दें। हटाने के बाद जो है उसको जहां पर आपको लगाना है, थोड़ा सा गोबर और यहाँ का मिट्टी में थोड़ा सा चूना का प्रयोग कर लें, जैसे कि कोई अम्लीय मिट्टी है तो गोबर और चूना मिला करके वहाँ पर करने के बाद जो है आप उसको रिंग को जो है अंदर ज़मीन में गाड़ दें। थोड़ा सा रिंग का एक भाग कहीं से जहाँ पर गांठ दिखाई पड़ता है उसको आप ऊपर रहने दें। अगर बारिश नहीं हो रहा है तो आप एक आध बार पानी दे दें, और नहीं तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि 15-20 दिनों में जो है वहाँ से नया लत्तर निकलेगा और आपको पौधा बन जाएगा। यह जो हुआ कि आप अपने खेत के लिए, या इसमें है कि आपको लत्तर ज़्यादा लगेगा, आप चाहते हैं कि हमारा पौधा ज़्यादा बने कम लत्तर में, तो उसके लिए जो है दूसरा तरीका है कि आप चाहे तो कहीं पर छाया में बालू का एक बेड बना लें, जिसमें कि बालू भर दें और परवल के लत्ती को काट लें। लत्ती को काटते समय ध्यान देना है कि दो नोड होना चाहिए, दो गांठ होना चाहिए। पहला गांठ जो है जो रहेगा वो हम जमीन में जो है बालू के बेड में नीचे डालेंगे, दूसरा गांठ को ऊपर रखेंगे और उसको छाया में रखेंगे, नमी बना करके रखेंगे। हमको ज़्यादा अगर उससे मतलब जल्दी रूट लाना है या ज़्यादा सर्वाइवल चाहिए तो एक रूटेक्स करके बाज़ार में पाउडर आता है, वो करीब 25-30 रुपये में आपको मिल जाएगा। वो रूटेक्स को जो है रूटेक्स का घोल बना लें और जो हम गांठ को बालू के बेड में डालेंगे उस गांठ को थोड़ा सा रूटेक्स से घोल में लगा करके आप लगाते हैं तो उससे आपको पौधा तैयार हो जाएगा। उस पौधा को फिर आप पॉलीथीन बैग में जब मिट्टी और गोबर के मिक्सचर बना करके उसमें आप शिफ्ट कर दें और एक महीना में जो है आपको पौधा तैयार हो जाएगा। तीसरा है कि आप चाहे तो बालू को बेड में नहीं लगावें, सीधे आप जो है पॉलीथीन बैग जो ले लें, पॉलीथीन बैग में जो है, पॉलीथीन बैग का जो साइज है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और काले रंग का अगर पॉलीथीन बैग लेते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त होता है, उसमें आप छेद कर दें जिससे कि जब हम मिट्टी और गोबर डालें और जब पानी डालें तो पानी की मात्रा उसमें नहीं रहे, पानी जो है ज़्यादा हो तो निकल जाए। उस तरह का बैग को भी हम छाया में रखेंगे जिससे कि तेज़ धूप नहीं पड़े, और उसमें जो हम तरीका बताएं कि जो लत्तर काटेंगे, जो लत्तर काटते समय ध्यान देना है कि जो मैच्योर लत्तर हो, थोड़ा सा कड़ा लत्तर हो, उस तरह का लत्तर को लेंगे और उसका दो गांठ वाला लत्तर लेंगे, एक गांठ को हम पॉलीथीन बैग के मिट्टी में डालेंगे, एक गांठ हमारा ऊपर रहेगा। इस तकनीक से भी करते हैं तो इस तकनीक से भी आपको एक महीना में जो है पौधा तैयार हो जाएगा। अब हमारे वैसे किसान, नए किसान जो परवल लगाना चाहते हैं, वो पौधे या नर्सरी वाले जो परवल होते हैं वो कहाँ से खरीदें और उसकी जानकारी उन्हें कहाँ से प्राप्त होगी? कि अभी भी जो झारखंड में किसान भाई परवल की खेती नहीं देखे हैं तो उनके दिमाग में है कि यहाँ पर परवल की खेती नहीं हो सकता है, या सोन नदी या गंगा नदी के किनारे ही है, हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ अनुसंधान केंद्र पलांडू में लगभग 30 सालों से परवल पर शोध कार्य चल रहा है और यहाँ से तीन किस्में जो है विकसित की गई है, स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा और स्वर्ण सुरुचि। ये तीनों किस्मों का जो है झारखंड में उत्पादन बहुत ही अच्छा हो रहा है और अन्य राज्यों के तुलना में, जैसे कि बिहार का हम तुलना करते हैं तो बिहार में क्या है कि बरसात के दिनों में परवल नहीं
खेती होता है क्योंकि वहाँ पर ऊंची जमीन नहीं है, टाढ़ जमीन नहीं है। लेकिन झारखंड में हमारे पास टाढ़ जमीन बहुतायत है, ऊंची जमीन बहुतायत है। यहाँ पर आप अगर परवल की खेती करना चाहते हैं तो एक बार आप परवल का पौधा लगाएंगे और 5 साल तक आप तुड़ाई करेंगे। हर एक साल आपको तुड़ाई रोपाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 सालों तक तुड़ाई करेंगे। और यहाँ पर परवल जो है मार्च के महीना से लेकर के अक्टूबर तक जो है आपको फल देता है। तो करीब 6-7 महीना जो फलन रहता है, उसके बाद जाड़े के दिनों में जो है इसके लत्तर को काट करके हटा देते हैं। और फिर जैसे गर्मी शुरू होता है परवल का विकास शुरू हो जाता है। और इसका खेती में जो है सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें रोग एवं कीट का भी प्रकोप बहुत कम होता है। कम मात्रा में दवा का प्रयोग करके आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप हमारे खेत में देख रहे हैं जो परवल का वैरायटी लगा हुआ है, इसमें कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग हम नहीं किए हैं, सिर्फ गोबर की खाद पर हमारा परवल का खेती हो रहा है। और किसान भाइयों, इससे अच्छा फसल जो है झारखंड के लिए हम समझते हैं क्योंकि नहीं है, क्योंकि एक तो हार्डी है, मतलब कम पानी भी मिलेगा तो आपको जिंदा रहेगा, साथ साथ रोग एवं कीट का प्रकोप कम है, बाज़ार में आपको दाम ज़्यादा मिलेगा। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू से आकर जानकारी प्राप्त करें। साथ ही साथ जो हम लोग जो है यहाँ अक्टूबर के महीने से परवल का पौधा बेचना प्रारंभ कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर नर्सरी तैयार करते हैं परवल का। आप 15 नवंबर तक अगर परवल का पौधा लगा लेते हैं तो वह पौधा जो है मार्च से जो है आपका तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि अभी जो हमारे खेतों में लगे हुए हैं उसमें और विशेष सावधानी क्या बरतें। पहला तो किसान भाइयों, आपके जानकारी दे दें कि परवल को कभी भी बीज से नहीं लगाते हैं, परवल को पौधा से लगाते हैं। उसका कारण है कि बीज से जब हम लगाते हैं तो उसमें आधा नर और आधा मादा हो जाता है, क्योंकि परवल एक इस तरह का सब्जी है जिसमें नर पौधा अलग होता है, मादा पौधा अलग होता है। इसलिए हम लोग इसको जड़ का कटिंग या लत्तर का कटिंग से तैयार करते हैं। दूसरा है कि जब नर मादा की बात हुई तो नर और मादा में कम से कम आपको 10-20% आपके खेत में नर होना चाहिए। तो जब आप रोपाई करेंगे, अगर ज़्यादा एरिया में कर रहे हैं, आप 1 एकड़ में कर रहे हैं तो आपके खेत में 10% नर होना चाहिए, उससे कम कर रहे हैं तो 20% नर होना चाहिए। तो आप जब रोपाई करें तो उस तरह से करें जिससे कि नर और मादा का अनुपात जो है सही रहे, तब जाकर के आपका फलन अच्छा होगा। उसके साथ साथ इस तरह का भूमि का चुनाव करें जिसमें कि बरसात में पानी नहीं लगता हो और गर्मी के दिनों में इसको पानी दें, क्योंकि गर्मी में अगर हमको गर्मी में ही इसका शुरुआत हो जाता है फलन, तो हमको गर्मी में इसमें पानी देना ज़रूरी होता है। तो आप गर्मी अगर पानी दें और बरसात में आप इसका पानी का निकास हो तो इससे अच्छा सब्जी की खेती नहीं होगा। साथ साथ किसान भाइयों, अगर जहाँ पर जैविक खेती की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि परवल का जैविक खेती भी किया जा सकता है। किसान अपने गांव में इसका जैविक खेती का भी प्रचलन कर सकते हैं। और जो हमारे केंद्र से तीनों किस्म विकसित की गई है वह इस एरिया के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और उसका हम चाहेंगे कि किसान भाई जो है अपने खेत में कम से कम 10 डिसमिल में जरूर परवल की खेती प्रारंभ करें। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी जुमकी बहन, हमारे किसान भाइयों के लिए, और ये बिल्कुल ही नई जानकारी थी। कुछ और जानकारी हमारे पास है, लेकिन वो जानकारी देने के पहले हम एक छोटा सा संदेश अपने किसान भाइयों को दिखला दें। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या, पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपना कर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75-85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30-50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। अरे वाह, बहुत अच्छी जानकारी रही है ना? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी रही, और ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद जानकारी भी है, और ये नई जानकारी भी हमारे किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन दूसरी जानकारी के लिए हम बुदना का इंतजार कर रहे हैं, जो टपकते फूदते हाथ जून करते आते हैं। और आ भी गया, और देखिए बुदना चला ला रहा है। जय जय, कहाँ से? जून खेती तरफ से आ रहे थे। अच्छा, रोपा तो रोपे थे जून, मगर समय हो रहा था इसीलिए दौड़ते दौड़ते आ रहे। अच्छा, तो कौन है वहाँ पर? वो है साथी लोग को छोड़ के आए, घास तुम लोग
निकोनी कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि और क्या हाल चाल है तुम्हारा? सब ठीक है दादा। और कहा गांव में घूमते फिरते कहा तुम पूछते चल रहा है सबसे? सुने हम आए सभी गांव वाला सब बता रहा था क्योंकि कोची को जानकारी चाहिए। हाँ, हम भी ना गए थे बाजार ना तो देखे प्लास्टिक में पैक करके इतना बड़ा बड़ा हरा मिर्चा सफेद मिर्चा टाइप का काजुन बेच रहा था। तो का चीज था पूछे तो बोलता ही है बेबी कौन। हम बोले बाबा ये कौन कौन हो गया? त्रिकोण चौकोन तो पड़े थे मगर ये बेबी कौन कहाँ से जून आ गया? बेबी कौन भाई जून? अच्छा का बात कर रहा है ये तो बुझ भी नहीं कर रहे। अरे बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम भी अगर उसकी खेती करोगे ना तो बहुत फायदा होगा। और हम किसान भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि किसान भाइयों अगर आप बेबी कॉर्न की खेती करते हैं तो आपकी आर्थिक उन्नति बहुत तेजी के साथ हो सकती है। आपको बहुत ही आमदनी होगी क्योंकि बेबी कॉर्न की मांग ने झुमकी बहन बाजार में बहुत है। बिल्कुल तो लाभ तो होगा ही टनाटन क्यों। हाँ तो चलिए ना किसान भाइयों को भी बता दें कि बेबी कॉर्न की खेती हम कैसे करेंगे। बिल्कुल और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ सी एस सिंह जी। आज का खास विषय हम लेके आए हैं कि हमारे झारखंड के किसान भाई बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं, लेकिन बात आती है कि क्या बेबी कॉर्न की खेती से हमारे झारखंड के किसान भाइयों को अच्छी आमदनी हो पाएगी या सही रोजगार या सही तरह से मुनाफा हो पाएगा या नहीं, इसकी विशेष खास जानकारियां देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सर। और सर बिल्कुल हमारे झारखंड के किसान भाई मक्के की खेती करते हैं और मक्के से ही मिलता जुलता बेबी कॉर्न की खेती भी होती है, लेकिन बेबी कॉर्न की खेती में किन किन खास बातों का ध्यान रखें, कैसे की जाती है इनकी खेती? जो किसान भाई बेबी कॉर्न की खेती करना चाहिए पहले तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर शहरी इलाके के नज़दीक उनकी ज़मीन है, क्योंकि शहरों में ही ज़्यादा इसकी मांग अभी बढ़ी हुई है, खासकर होटल रेस्टोरेंट में और मॉल जैसे रिलायंस फ्रेश के मॉल हैं, इन जगहों पे बेबी कॉर्न को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा इनका खरीदारी हो रही है। तो जो किसान भाई अगर इसका खेती करना चाहते हैं वो शहरों के नज़दीक ही इसकी खेती करें और ताकि उसको सुगमता पूर्वक इन जगहों पे बेच के वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बेबी कॉर्न की खेती करने के लिए किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सही प्रजाति का उनको चुनाव करना चाहिए, जैसे कि BVM2 या HM4 जैसी किस्में हैं जो बेबी कॉर्न की खेती के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इसके लिए जो मक्के की जो प्रजाति है वो बौनी किस्म होनी चाहिए, क्योंकि हमको पौध संख्या बहुत ज़्यादा लेना होता है प्रति हेक्टेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें बेबी कॉर्न प्राप्त कर सकें। दूसरा बात ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी प्रजाति चुन रहे हैं जैसे HM4 की किस्म में अगर बेबी कॉर्न जो हम लेते हैं उसको अगर बेबी कॉर्न की अवस्था में उसको तोड़ाई करते हैं तो देखते हैं कि उसको छूने पे बेबी कॉर्न को कि हल्का लसलसापन उसमें दिखाई देता है। इसका मतलब कि उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। चीनी की मात्रा होने से उसमें मीठापन रहता है और बेबी कॉर्न के लिए वो पसंद किया जाता है। तो ऐसी प्रजाति का लेना चाहिए जिसमें शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो ताकि उसको बेबी कॉर्न के रूप में लोग पसंद करें। तो बेबी कॉर्न की जो फसल तैयार होने में कितना वक्त लग जाता है? किसान भाई इसको अगर लगा रहे हैं तो उनको 65 दिन के अंदर ही उनका बेबी कॉर्न की सारी तोड़ाई वो कर लेंगे और बेबी कॉर्न उनकी हार्वेस्ट हो जाएगी। साथ में अगर ज़्यादातर जैसे झारखंड के किसान पशु भी रखे हुए हैं तो उस समय जब बेबी कॉर्न की वो तोड़ाई कर लेते हैं तो उसमें पूरी जो उनका पौधा है वो पूरी तरह से हरा रहता है उस समय, तो करीब 250 से 300 क्विंटल बल्कि उससे ज़्यादा भी उनको हरा चारा उपलब्ध हो जाएगा जो उनके पशुओं के काम आएगा या फिर उसको वो साइलेज बना के आगे की पशुओं को खिलाने के लिए भी रख सकते हैं। और जैसे कि हमारे किसान भाई बेबी कॉर्न की तोड़ाई कर लेते हैं और उसकी रख रखाव बहुत मायने रखती है, तो भंडारण की स्थिति किस तरह की होनी चाहिए? पहले तो सबसे पहले जब जिस समय हम लोग रिसर्च द्वारा ये पाए हैं कि जिस समय उसका नर मंजरी निकलता है, चूँकि बेबी कॉर्न की जो फसल होती है उसमें हम बेबी कॉर्न में फर्टिलाइजेशन नहीं चाहते हैं ताकि दाना उसमें ना बैठ पाए, इसलिए जैसे ही नर मंजरी निकलता है नर मंजरी के निकलते ही नर मंजरी की उसको तोड़ाई कर लेनी चाहिए। उस समय होता ऐसा है अगर किसान भाई देरी कर देते हैं तो नर मंजरी अगर पूरी तरह से थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है तो उसको तोड़ने पर मक्के की फसल की फ्लैग लीफ जो ऊपर की पत्ती होती है वो साथ में टूट जाती है, हाँ उससे उत्पादन घटता है। तो जैसे ही नर मंजरी निकले उसको अगर किसान भाई 2 उंगली से पकड़ के निकालेंगे वो आसानी से सुगमतापूर्वक नर मंजरी उसकी निकल जाएगी। और अगर पूरी तरह नर मंजरी को खेत से निकाल देने पे प्रति हेक्टेयर हम लोगों ने पाया है कि बेबी कॉर्न की फसल में 14% तक यील्ड में केवल नर मंजरी हटाने से वृद्धि हो जाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि पहले नर मंजरी को हटा दें और जैसे ही उनको दिखाई देता है 50वें दिन पे करीब उनको सिल्क भुट्टा जैसे ही निकलता है उसमें सिल्क आना चालू होता है, तो सिल्क आते ही
जो मूछ आती है तो उसके एक से दो दिन के अंतराल पे ही उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। हार्वेस्ट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि सुबह या शाम को ही उसका बेबी कॉर्न का हार्वेस्ट करें, क्योंकि अधिक धूप में हार्वेस्ट करने में उसको उसमें से उसका मॉइस्चर लॉस होगा, उसकी क्वालिटी डिटोरिएट करेगी। इसलिए सुबह और शाम को हार्वेस्ट करके और उसको अच्छी तरह से उसका भंडारण करने के लिए थोड़ा अगर उनके पास रेफ्रिजरेटर किस क्षमता हो तो उसमें वो रख लें और उसके बाद उसको तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको डिस्पोज कर दें ताकि उनको उसकी अच्छी कीमत मिल सके। लेकिन उनकी आमदनी कितनी अच्छी हो पा रही है और रोजगार की क्या संभावना है झारखंड के किसान भाइयों को? जैसा कि मैंने बताया कि ये फसल 60 से 65 दिन में तैयार हो जा सकती है, तो किसी भी फसल चक्र में इसको आसानी से जो फसल चक्र किसान भाई लगाना चाहते हैं उस किसी भी फसल चक्र में आसानी से सुगमतापूर्वक फिट बैठ जाएगी और उसको वो किसान भाई ले सकते हैं। दूसरा ये चीज़ कि इसमें जो तोड़ाई होती है वो करीब 8 से 10 बार तोड़ाई करने में 10 से 15 दिन लगता है, उसमें किसान भाइयों को पूरी तरह से 15 दिन तक रोज़गार मिलेगा। और शुरुआती 40 दिन में जैसे मक्के की फसल को खरपतवार, खाद प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन, कीट प्रबंधन सारी चीज़ों से जैसे मक्के की फसल को बचाना होता है, उसी तरह बेबी कॉर्न को फसल को भी बचाना होता है। तो इस तरह से किसान पूरी तरह से इस 65 दिन में अपने खेत में लगा रहता है और उसको 65 दिन उसको अपने खेत में रोज़गार मिलेगा। अगर वो बड़ी उसका खेत बहुत बड़ा है तो वो दूसरों को भी अपने खेत में रोज़गार दे सकेगा और रोज़गार में वृद्धि होगी। और जहाँ तक मक्के की फसल में, जैसा कि हम प्रति हेक्टेयर 66,000 पौधा लेते हैं, लेकिन बेबी कॉर्न में लगभग 1,00,000 के ऊपर, 1,11,000 से लेके 1,21,000 तक पौधा लेने के लिए हम लोग कहते हैं कि उतना पौधा लेंगे बेबी कॉर्न का, तभी किसान भाइयों को ज़्यादा आमदनी प्राप्त होगी। और हर एक पौधे से किसान भाइयों को 2 से 3 भुट्टे बेबी कॉर्न प्राप्त होता है, कभी HM4 की किस्म में से तो कई बार 4 बेबी कॉर्न तक मिलता है। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बेबी कॉर्न उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन होगा और उससे वो कितना मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि बाज़ार में 40 रुपया से 100 रुपया किलो तक बेबी कॉर्न की फसल की बिक्री होती है। तो किसान भाई अगर बेबी कॉर्न का उत्पादन करते हैं तो 65 दिन में ही बहुत ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर लेंगे और उनको रोज़गार भी मिलेगा और ज़्यादा वो मुनाफा कमा सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपकी बहुत अच्छी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एकदम जून जुलाई ये सब तुमको मालूम रहता है, और जो चीज मालूम होना चाहिए उसका तुम नामे गड़बड़ा जाते हो। अब गांव वाला तुम पूछते चलते बेबी कौन, बेबी कौन, कौन बेबी, कौन बेबी, कौन बेबी, किसका बेबी खोज रहा है तुम। चलो बढ़िया जानकारी मिल गया ना। चलो चलिए एक जानकारी और आपको देते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा IMD पुणे। चलो। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, साथ ही 10 मिलीलीटर वर्षा भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पूर्व की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में लगाए गए विभिन्न फसलों में अगर खरपतवार की समस्या हो तो उसे अविलंब खेत से निकाल दें। मूंगफली फसल में फूल निकल रहे हों तो किसान खेत में प्रवेश न करें, वरना फूल झड़ने लगेंगे। मकई फसल में भुट्टा में दाना लगना शुरू हो गया हो तो खेत में खंभा गाड़कर चमकीले तार बांध दें। इस तार को देखकर चिड़ियां और अन्य पक्षी दूर भागते हैं। चलिए बहुत अच्छी जानकारी थी, ये भी जानकारी छोटी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। और किसान भाइयों, अब हमारे चलने का समय हो गया है तो चलते चलते हम आपको अपना पता बता देंगे। हमारा पता नोट कीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची, पिन संख्या है 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार।